राम राम जी। एजुकेशन नॉलेज टीवी में देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? हरियाणा सरकार बड़ी सौगात लेके आई है, पंजाब के समान वेतन। बड़ी खबर आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, कर्मचारियों को तोहफा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिए। अगर आप हरियाणा में सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं या फिर आपके कोई लगे हुए हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जॉब से रिलेटेड शिक्षा से रिलेटेड सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब के समान वेतनमान की उम्मीद जगी। प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए सुकून देने वाली खबर है। भाजपा सरकार राज्य के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने का चुनावी वादा जल्द पूरा करने वाली है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल जैन ने शीघ्र ही कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन माह दिए जाने का ऐलान किया है। भाजपा प्रभारी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उसकी कैबिनेट के मंत्रियों को राज्य के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन माह देने में आ रही बाधा दूर करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों को वेतन विस्कृति दूर करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव श्री माधवन के नेतृत्व वाले आयोग द्वारा सरकार को पहले ही रिपोर्ट दे चुकी है। कर्मचारी काफी समय से पंजाब के समान वेतनमान दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इनमें करीब 50,000 पुलिस कर्मी भी शामिल है। तो आप सभी के बड़ी खुशखबरी है जो भी हरियाणा में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब में कितना वेतनमान दिया जाता है और हरियाणा में कितना दिया जाता है। यहाँ पे आप ग्रुप डी की भी देखें तो पंजाब में ग्रुप डी को 4900 से 10,680, वही हरियाणा में 4400 से 7,440। सभी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी का वेतन अगर बढ़ता है तो बहुत ही अच्छी बात है, सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है। तो वीडियो सभी के साथ शेयर करें जो भी हरियाणा में कर्मचारी लगे हुए या फिर लगने वाले हैं, सभी के लिए अच्छी खबर है। देखने के लिए वीडियो यहाँ तक, धन्यवाद।